हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फ्री ऑनलाइन लर्निंग चैनल ऑफ फिजिक्स। आई एम आदित्य सिंह एंड आई एम परसुइंग PhD फ्रॉम IIT कानपुर। सो हम लोगों ने फिजिक्स का ही चैनल क्यों चुना, फिजिक्स पढ़ाना ही क्यों चुना। सो फिजिक्स हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ऐसा नहीं कि अभी से ही है, सिंस एजेस लाइक 16th सेंचुरी, 15th सेंचुरी या बिफोर BC, आर्यभट्ट जी के टाइम से पहले भी फिजिक्स थी, या आप कह सकते हैं कि जब से ये यूनिवर्स बना, जब से ये पृथ्वी बनी, तब से फिजिक्स एग्जिस्ट करती है। तो हम लोग इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए इंडिया और कई देशों में फेमस इफेक्टिव और इफिशियंट बुक Concepts of Physics, Volume 1 and 2 फॉलो करेंगे, जिसको हमारे देश व कॉलेज IIT कानपुर के फेमस और रिनोव्ड साइंटिस्ट एंड फिजिसिस्ट पद्मश्री से सम्मानित श्री HC वर्मा जी ने लिखा है। तो आप लोग इस बुक को सिंसियरली फॉलो करें, इन वीडियो लेक्चर्स को सिंसियरली फॉलो करें, और हमारी जो टारगेटेड ऑडियंस है जिसके लिए हम ये अपने लेक्चर्स बना रहे हैं, तो वो है हमारी +2, दैट इज़ जो भी बच्चे 10th पास के स्टूडेंट हैं और IIT की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेदर इट इज़ जेई मेंस एंड एडवांस एंड नीट प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट्स, ओके। एंड माई कॉन्टैक्ट्स इज दीज आर माई कॉन्टैक्ट्स, दिस इज माई कॉलेज ID SINGHA@iitk.ac.in एंड दिस इज़ माई gmail ID AS5714360@gmail.com एंड दिस इज़ माई ईमेल एड्रेस, दिस इज़ माई मोबाइल नंबर 8318559083 विद इंडियन कोड +91। लाइक इफ वी हैव सम फॉरेन ऑडियंस, देन whether it whenever you have some doubt or any kind of problem, just mail me or contact me and we'll try to solve all your problems. So this is our lecture 1 orientation. तो इस orientation में हम ये समझेंगे कि हमें physics क्यों पढ़ना है, physics में क्या interesting है, आप लोग physics को कैसे easily understand कर पाएंगे। तो फिजिक्स हमारा कहाँ से निकल के आया है, और यू कैन से फिजिक्स इज़ अ पार्ट ऑफ साइंस। सो व्हाट डज दिस वर्ड साइंस मीन, तो साइंस वर्ड जो है ये हमारा निकल के आया है, एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड साइंसिया। अब साइंसिया का मतलब क्या है, साइंसिया का मतलब है टू नो और नॉलेज। आप सब लोगों ने 10th में मोर और लेस ये पढ़ा ही होगा कि साइंस की डेफिनेशन क्या है, और मैं भी इस वर्ड से भी आप लोग परिचित होंगे, अब इतना आप लोगों ने देखा ही होगा कि ये क्या है। तो इस वर्ड का मतलब है टू नो, और टू नो का मतलब है कि हम कैसे चीज़ों को समझें, जो हमारे आसपास चीज़ें हो रही हैं वो क्या है, उनको कैसे समझें। तो हमारे साइंस की ही एक ब्रांच है फिजिक्स, और हमारे साइंस की टोटल ब्रांचेस हैं 3, एक फिजिक्स, दूसरी केमिस्ट्री और तीसरी बायोलॉजी। ओके गाइस, सो हमारा फोकस है अभी फिजिक्स में,
केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी भी इक्वल इम्पॉर्टेंस हैं। सो अब फिजिक्स क्या है, कहाँ से आया, क्यों इतना ये इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं ये बहुत ही अजीब से वर्ड्स हैं, पता नहीं क्या हैं, अभी पता चलेगा ये क्या वर्ड हैं। तो जो हमारा फिजिक्स है ये आया है एंशियंट ग्रीक वर्ड्स, ग्रीक भाषा से, जो बहुत ही प्राचीन ग्रीक भाषा है, बहुत ही पुरानी एंशियंट ग्रीक के वर्ड्स हैं। जैसे ये आप लोग अभी आके देखेंगे, ये साई है, ये न्यू, दिस इज़ ईटा, दिस इज़ वन ग्रीक वर्ड, दिस इज़ कापा एंड दिस इज़ काइंड ऑफ अगेन ईटा, ईटा डॉट। सो इसका मतलब है नॉलेज, इसका इंग्लिश में मतलब है नॉलेज ऑफ नेचर। सो यू कैन सिंपली से दैट फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर, मतलब हमारी प्रकृति जिससे हम सराउंडेड हैं, इट्स लॉ, प्रकृति के क्या नियम हैं, एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट नेचुरल फिनोमिना, मतलब देयर मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट नेचुरल फिनोमिना। तो मतलब हम जो भी हमारे नेचुरल फिनोमिना है, फिनोमिना मतलब कोई भी अद्भुत घटना, कोई भी तथ्य, तो इसको हम बोलते हैं फिनोमिना। नेचुरल मतलब कि जो भी प्राकृतिक हो, जैसे दिन रात होता है तो दिन रात का होना प्राकृतिक घटना है, सर्दी गर्मी होना प्राकृतिक घटना है, बिजली का चमकना प्राकृतिक घटना है, फ्लो ऑफ रिवर ये भी नेचुरल फिनोमिना है। तो ये नेचुरल फिनोमिना एक दूसरे से कैसे कोरिलेटेड हैं और ये नेचुरल फिनोमिना कैसे हो रहे हैं, तो इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलेगी फिजिक्स से। और ये जितने भी नेचुरल फिनोमिना हैं ये सारे रिलेटेड हो सकते हैं मैटर। अब ये मैटर क्या है भाई, मैटर मतलब जिसका मास हो एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे वो मैटर होते हैं। तो मैटर मेनली, मैटर के तीन स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये आप सब लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। तो मैटर, हमारे नेचुरल फिनोमिना रिलेटेड हो सकते हैं मैटर, एनर्जी। एनर्जी क्या है, एनर्जी मतलब कि एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कार्य करने की क्षमता को हम बोलते हैं एनर्जी। एंड देयर म्यूचुअल इंट्रैक्शंस, मतलब मैटर और एनर्जी के पारस्परिक इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन मतलब मिलना। जैसे आप लोग सब जानते होंगे एक बहुत ही फेमस आइंस्टीन की इक्वेशन थी, E=mc², वेयर E इज दिस एनर्जी, M इज मास एंड C इज स्पीड ऑफ लाइट। ओके, तो ये जो इक्वेशन है E=mc², ये एनर्जी और मैटर के बीच में रिलेशन बनाती है, रिलेशन दिखा शो करती है।
ओके, सो दिस इज ब्यूटी ऑफ फिजिक्स कि आप इससे सारे नेचुरल फिनोमिना जो भी उनका कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, दिन कैसे हो रहा है, रात कैसे हो रही है, सर्दी क्यों हो रही है, गर्मी क्यों हो रही है, ज्वार भाटा क्यों हो रहे हैं, समुद्र में लहरें क्यों आ रही हैं, आपको आप गर्मी में सारे सिर्फ एक सिंगल शर्ट पहनते हैं, सर्दियों में आप 50 स्वेटर पहनते हैं, सो ये सब आप कैसे समझ सकते हैं, दिस इज बाय फिजिक्स। अब हम फिजिक्स को समझने और सॉल्व करने के लिए टू मेन प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। अब वो टू मेन प्रिंसिपल क्या हैं, तो अब ये टू मेन प्रिंसिपल हमारे क्या हैं, पहला है यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन, और दूसरा है रिडक्शन। रिडक्शन यूनिफिकेशन मतलब जोड़ना और रिडक्शन मतलब उन चीज को डिवाइड करना या उसको आप बोल सकते हो तोड़ना। और इन वेरी सिंपल वर्ड अगर बात करें तो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन फिजिकल फिनोमिना बाय फ्यू कॉन्सेप्ट, मतलब 50, 100, 200, मतलब लॉट्स ऑफ फिनोमिना समझने के लिए हम फ्यू कॉन्सेप्ट्स यूज करें, दिस इज यूनिफिकेशन। मतलब आप ये देखो कि जैसे 1, 2, 3, 4 इन चार चीज़ों को हमने समझने के लिए एक लॉ यूज किया, दिस इज काइंड ऑफ यूनिफिकेशन। ओके, जैसे आपका एक लॉ आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डील करता है आपका फ्लूइड में पानी कैसे बह रहा है, यानी सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम आती है बर्नौलीज थ्योरम। थर्मोडायनामिक इक्वेशंस, पावर जनरेशन, मतलब हमारी इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा होती है, दिस इज आल्सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दूसरा लॉ, दिस इज फर्स्ट एंड सेकंड वन इज ग्रेविटेशनल लॉ यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब धरती में सबसे पहले क्या गिरा था, सेव, ऐसा नहीं है, सेव गिरा था तब न्यूटन ने उसकी खोज किया था, उससे पहले भी, सेव गिरने से पहले भी इस प्रकृति में, इस धरती में चीज़ें गिरती थी। ओके, सो दिस इज सेव का गिरना या किसी भी बॉडी का गिरना बताया किसके थ्रू गया या समझाया किसके थ्रू गया, ग्रेविटेशनल लॉ। तो फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय ग्रेविटेशनल लॉ। मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, अब चंद्रमा हमारी पृथ्वी के अराउंड घूमती है, इसको किसके थ्रू समझाया गया कैसे घूमती है, अरे ये मतलब भाई चंद्रमा हमारी पृथ्वी का उपग्रह है, ये हम लोग जानते हैं, तो ये घूमती क्यों है कैसे, अब इसके बीच में कोई डोरी तो बंधी नहीं है, कोई इसको धक्का तो दे नहीं रहा है, तो कैसे बंधी है, कैसे घूम रही है, हमारी अर्थ हमारे सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है ऐसे, ये भी मूव कर रही है, ये कैसे घूमती है, हमारे सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट्स सन के चारों ओर
चारों ओर ये सन है, सन के चारों ओर ये प्लैनेट्स अपनी अपनी ऑर्बिटल्स में मूव कर रहे हैं। ये कैसे कर रहे हैं? दिस इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड बाई लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम से हम ये सब सारी चीज़ें समझा सकते हैं। सो दिस इज यूनिफिकेशन। अब दूसरा क्या है? रिडक्शनिज्म या रिडक्शन। रिडक्शन मतलब तोड़ना। अब इसको, इसकी रिडक्शन की मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? रिडक्शनिज्म। सो अब हम बात करते हैं सिर्फ रिडक्शनिज्म की। सो रिडक्शन और इसकी जो मैकेनिज्म है, इसको बोलते हैं हम रिडक्शनिज्म। ओके गाइस, सो रिडक्शनिज्म को एक तरह से आप कह सकते हैं दिस इज हार्ट ऑफ फिजिक्स। अब मे बी आप लोगों को थोड़ा सा विज़न प्रॉब्लम और इसकी साउंड में भी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो अभी बात यह है कि लॉकडाउन की वजह से मैं आपको जो टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं वो मेरे पास हैं नहीं, तो वो ज़्यादा मैं अभी उनके पे मैं काम कर रहा हूँ। सो अभी जो है आप उसी में प्लीज़ थोड़ा सा आप कोऑपरेट कीजिए। आई विल ट्राई कि मेरी तरफ से आपको पूरा मतलब फिजिक्स का जो भी है एसेंस मतलब कि उसका क्या सार है, ठीक है, उसकी क्या फ्रेग्रेंस है, वो मैं आपको दे पाऊँ। सो थोड़ा सा प्लीज़ कोऑपरेट, क्योंकि अभी ये मैं घर में बना रहा हूँ, सो मे बी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही हो। और ये एक रीयूजेबल रफ पेपर है जो कि हमारी ही लैब में IIT कानपुर में बनाया है हमने, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। तो अभी हम आते हैं इस पे, रिडक्शनिज्म विच इज हार्ट ऑफ फिजिक्स। सो आप लोगों ने इससे अभी तक तो समझ ही लिया होगा कि हम फिजिक्स की एकदम बड़ी सी प्रॉब्लम को, सपोज करिए कि कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, एकदम बिल्कुल कॉम्प्लेक्स सी, राइट, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। अब हम इसको कैसे समझ सकते हैं? अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, अब इसको समझने के लिए हम एक साथ नहीं समझ सकते, तो फिजिक्स में हम क्या करते हैं कि उसको पार्ट्स बाय पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। पहले आप इतना सॉल्व करिए, फिर आप इतना सॉल्व करिए, फिर आप इतना सॉल्व करिए, फिर आप मे बी इतना पार्ट सॉल्व कर लीजिए, फिर आप मे बी आप इतना पार्ट सॉल्व कर लीजिए, फिर आप इतना पूरा पार्ट सॉल्व कर लीजिए। सो दिस इज रिडक्शनिज्म, यानी किसी बड़ी सी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के सॉल्व करना, दिस इज रिडक्शनिज्म। जैसे चलो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सबने अपने अपने घर में मट्ठा को मथते हुए मम्मी लोगों को, दादी लोगों को देखा होगा, तो हम उसको फिजिक्स में बोलते हैं पैडल व्हील एक्सपेरिमेंट। ओके, तो हम यहाँ मट्ठे की जगह, मट्ठे में भी एक तरह से फिजिक्स है, उसमें क्या है उसका भी अलग है, तो ये हम चीज़ें सर्कुलर मोशन में देखेंगे आगे चल के। तो अभी हम पैडल व्हील एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। पैडल व्हील एक्सपेरिमेंट में क्या है कि आपने मान लीजिए कि एक टैंक लिया, टैंक में आपने यहाँ पे इतना पानी ले लिया, मान लीजिए कि 2 लीटर वाटर ले लिया, नॉर्मल एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर 25 डिग्री सेंटीग्रेड एक बार के प्रेशर पे, राइट। अब हम इसको क्या करेंगे, किसी भी एक हमने यहाँ पे स्टरर लगाया, ओके, अब हम इस स्टरर को घुमा रहे हैं, राइट, तो हमने इसको कुछ सर्टेन वेलोसिटी से कुछ देर तक इसको घुमाया, यानी इस स्टरर को हमने घुमाया, राइट। तो अभी हम थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे, 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, अब आप कितना तेज़ घुमा रहे हैं या कितनी उसकी वेलोसिटी है, उसके बाद देखेंगे कि वाटर का फाइनल टेम्परेचर, यानी ये मान लीजिए अगर T1 है तो ये T2 कुछ रेस कर जाएगा, कुछ इंक्रीज हो जाएगा।
अब हमें ये वाटर का ये फाइनल टेम्परेचर बताना है वो क्या होगा, तो उसके लिए हम ये देखेंगे रिडक्शनिज्म। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने ये जो घुमाया इतनी देर, तो इससे हमने कितना इस पर वर्क किया, यानी वर्क क्या है, एक तरह की फॉर्म ऑफ एनर्जी है, राइट। तो हमने जो इस पर वर्क किया तो वो है हमारी काइनेटिक एनर्जी, यानी हाफ एमवी स्क्वायर। अब ये हमारी हाफ एमवी स्क्वायर इस वाटर का टेम्परेचर है वो रेच कैसे करी, तो वाटर की जो एनर्जी है, वाटर की एनर्जी कैसे इंक्रीज हुई, राइट। तो ये जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी वाटर की सेंसिबल हीट को इंक्रीज करने में गई, राइट। अब सेंसिबल हीट क्या हो सकती है, होती है MCP डेल्टा टी, यानी T2 - T1। सो ये सब चीज़ें यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी और सेंसिबल हीट को बराबर कर देंगे तो यहाँ से हमें T2 मिल जाएगा। सो दिस इज रिडक्शनिज्म। और इस सबसे आप बहुत ही वेरी इजी और वेरी नॉर्मल वे में आप अपने टेम्परेचर को, फाइनल टेम्परेचर को निकाल सकते हैं। या आप घर में ऐसा एक्सपेरिमेंट करिएगा, आपको ये बहुत ही ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि सच में पानी का टेम्परेचर बढ़ता है या नहीं बढ़ता। पता चला मैं आपसे झूठ तो नहीं बोल रहा। सो जब आप करके देखेंगे तो यू विल फील मैजिक ऑफ फिजिक्स। आपको लगेगा हाँ यार सच में फिजिक्स में जादू तो है कुछ। ओके गाइस, तो बच्चों अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स या डोमेन ऑफ फिजिक्स, एंड फिजिक्स की मेजर ब्रांचें क्या क्या हैं। तो फिजिक्स की दो मेजर ब्रांचें हैं, पहली माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मींस जिसे आप नेकेड आई से देख सकते हैं, जैसे बड़ी बड़ी चीज़ें, पहाड़, पर्वत, ये सब चीज़ें, ओके। या जिसे भी आप देख सकते हैं, जैसे छोटा सा कंकड़ आप उसे देख सकते हैं, दैट इज माइक्रोस्कोपिक थिंग्स। एंड माइक्रोस्कोपिक को ही हम क्या बोलते हैं, क्लासिकल फिजिक्स, ओके, क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, राइट। अब क्लासिकल फिजिक्स को किसने, मतलब एक्सप्लेन करने में किसने सबसे ज़्यादा योगदान दिया, न्यूटन, कैपलर, गैलीलियो, मेघनाथ साहा, आर भट्ट एंड आर्कमिडीज। और दूसरी है माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। माइक्रोस्कोपिक मतलब जिसे आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, मतलब जिसमें हम एटॉमिक और मॉलिकुलर लेवल पे डील करते हैं, राइट। अब इसको हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स, ओके, मॉडर्न फिजिक्स भी बोलते हैं, राइट। अब इसको एक्सप्लेन करने में सबसे ज़्यादा योगदान किसने दिया, मैक्स प्लांक, आइंस्टीन, सीवी रमन, सत्येंद्र नाथ बोस, होमी जहांगीर बाबा, ओके। तो अब हम बात करेंगे वन बाय वन। तो हमारी माइक्रोस्कोपिक या क्लासिकल फिजिक्स में क्या क्या आता है, तो इसके इसमें चार चीज़ें आती हैं, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स, ब्रॉडली, ओके। तो हम अब इनको वन बाय वन देखेंगे, ओके गाइस। सो सबसे पहला बच्चों मैकेनिक्स, ओके। मैकेनिक्स मतलब जिसमें हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशनल लॉ यूज करते हैं। मतलब इनमें क्या होता है कि ये लॉ हमारे ग्रेविटेशन, ओके, ये लॉ हमारे कंसर्न्ड विद मोशन, या तो जब वो गति में होगी तब ये लॉ लगेंगे, या फिर अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में भी है तब भी ये लॉ लगेंगे। अब मैकेनिक्स का हमारा कहाँ कहाँ पे यूज होता है, कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होता है, या किन किन चीज़ों में मैकेनिक्स लगती है। जैसे आप सबने देखा होगा रॉकेट कैसे उड़ती है, राइट।
अब ये तो सबने देखा होगा कि भाई रॉकेट का उड़ना कैसे होता है। तो अब रॉकेट हमारी आपने देखा होगा कि रॉकेट सबसे पहले आग जब जलती है तो नीचे उड़ती है, यानी नीचे थ्रस्ट लगेगा, प्रोपल्सन होगा और रॉकेट ऊपर उड़ती है। किसी भी रॉड में हमने थोड़ा सा उसमें लोड लगाया, रॉड बेंड हो जाता है, मतलब वो मुड़ जाता है। तो साइकिल का क्या कहते हैं, साइकिल कैसे चलती है, हमारी गाड़ी कैसे चलती है, पहिया कैसे घूम रहा है, दिस इज काइंड ऑफ मैकेनिक्स। ओके, सेकेंड वन इज इलेक्ट्रो डायनामिक्स, मतलब इलेक्ट्रो एंड डायनामिक्स। सो दिस इज डील विद, दिस इज डील्स विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिनास, मतलब जिसमें इलेक्ट्रिकल और चुंबकीय घटनाएं होती हैं। ओके, तो इन घटनाओं से जो जो हम समझेंगे फिजिक्स, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अब ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिना एसोसिएटेड होते हैं या रिलेटेड होते हैं हमारे, रिलेटेड विद चार्ज एंड मैग्नेटिक बॉडीज। ओके, मतलब चार्ज। ओके, चार्ज मतलब कोई भी चीज आवेशित बॉडी है, दैट इज चार्ज। ओके, एंड मैग्नेटिक मतलब किसी में भी चुंबक तो सब लोग आपने देखा होगा। तो कोई भी चुंबक की चीज है, वो चुंबक कैसे वो चुंबक हमारा कैसे किसी चीज को अट्रैक्ट करता है, रिपल करता है, दैट इज हम लोग ये सब चीजें जानेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स की स्टडी से। इसके लिए कौन कौन से लॉ यूज करेंगे, तो सबसे पहले आएगा आपका कूलॉम्स लॉ, कूलॉम लॉ, एम्पियर लॉ, एम्पियर लॉ, फैराडे लॉ। ओके, तो इन सब जैसे हम लोग अभी पीछे बात कर रहे थे, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा यूनिफिकेशन, राइट। तो ये सब हमारे जो इतने सारे 3, 7, 4, 5 लॉ लिखे, इन सब लॉ को हम यूनिफाई कर सकते हैं और एक लॉ से समझ सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं मैक्सवेल इक्वेशन। ओके, मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दी और उन्हीं से ये सब सारे लॉ हम समझ सकते हैं। तीसरी ब्रांच है हमारी माइक्रोस्कोपिक यानी क्लासिकल फिजिक्स की, दैट इज ऑप्टिक्स। ओके, ऑप्टिक्स क्या है, ऐसे फिनोमिना यानी वो घटनाएं जिनमें लाइट इन्वॉल्व होती है। ओके, फिनोमिना इन्वॉल्विंग लाइट, राइट। सो दो, दैट इज, दैट फिजिक्स इज नोन एज ऑप्टिक्स, यानी हमारी जो भी प्रकाश से जुड़ी घटनाएं हैं उन सबको हम ऑप्टिक्स बोलते हैं। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल रेनबो। अब आप सबने कभी ना कभी रेनबो यानी आकाश में जब बारिश होती है तो इंद्रधनुष बना था या नहीं बना था, जिसमें कितने कलर होते हैं आप बताइए, कमेंट बॉक्स में आप बताना कि इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं, राइट। तो दिस इज ऑप्टिक्स। फोर्थ वन इज डी इज थर्मो डायनामिक्स, राइट। तो अब थर्मोडायनामिक्स में आप क्या क्या देख पा रहे हैं, एक थर्मो वर्ड दिख रहा है, एक डायनामिक्स वर्ड दिख रहा है, ठीक है। तो थर्मो मतलब हीट, सो दिस इज, दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स मेनली कंसर्न विद, ओके, मेनली कंसर्न विद कन्वर्जन बिटवीन हीट मतलब ऊष्मा, ओके, एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके बच्चों, तो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या हो सकती हैं,
आपकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, बहुत सारी, मतलब आपकी 50 एनर्जी होती हैं, ठीक है, मोर देन 50, दीज आर काइंड ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी और हीट के बीच में जो भी हमारा कन्वर्जन होता है उस, वो हम समझ सकते हैं किससे, हमारी थर्मोडायनामिक्स, हिंदी में इसे बोलते हैं ऊष्मा गतिकी, राइट। नाउ सेकेंड ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक इन द सेंस, अभी हम लोगों ने बताया समझा कि माइक्रोस्कोपिक मतलब जिसे हम देख नहीं सकते, मतलब एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल की जो फिजिक्स है दैट इज नोन एज मॉडर्न फिजिक्स। ओके, सो इसकी प्रॉपर डेफिनीशन है, इसकी एक डेफिनीशन है हमारी कि दिस डील्स विद कंस्टिट्यूशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एट स्केल ऑफ एटॉमिक एंड न्यूक्लियाई। मतलब कि ना ये हमारी स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, हम कोई भी तत्व तो है हमारा कैसे बना है, एंड एट स्केल ऑफ एटॉमिक एंड न्यूक्लियाई, मतलब परमाणु लेवल पे ये डील करती है। सो दिस इज आवर मॉडर्न फिजिक्स। अब इस मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहला आता है इसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, राइट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब कि आप लोगों ने एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है, मे बी सब ने देखा होगा, जैसे आप सब लोग जब मॉल जाते हैं तो मॉल के एंट्रेंस गेट में आपने देखा होगा कि आप जैसे जाते हैं गेट ऑटोमेटिक खुल जाता है, तो वो गेट होते हैं सारे फोटो सेंसर गेट। सो दिस इज इफेक्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी क्या है, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी है कि हमारा जो एक पार्टिकल है एटॉमिक लेवल पे जो पार्टिकल होता है वो ड्यूअल नेचर शो करता है, मतलब एट अ सेम टाइम इट इज एक्ट एज अ वेव एज वेल एज पार्टिकल। सो दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय मॉडर्न फिजिक्स। सेकेंड टॉपिक इज बोर्स मॉडल एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब किसी भी एटम का कैसा स्ट्रक्चर बना है, उसका कैसे मॉडल हैं, तो वो उस मॉडल को बोलते हैं बोर मॉडल, तो हम इसकी स्टडी करेंगे, राइट। तीसरा है एक्सरे। ओके, अब आप सब लोगों ने देखा होगा कि सबका एक्सरे होता है, अगर किसी भी हॉस्पिटल में आप जाते होंगे तो सबसे पहले किसी को अगर चोट लग गई, किसी का हड्डी फ्रैक्चर हुआ या कुछ हुआ, तो वो सबसे पहले क्या करता है, एक्सरे। आप एयरपोर्ट और ट्रेन स्टेशंस में देखते होंगे कि आपके बैग चेक किया जाता है, वो भी थ्रू एक्सरे। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन, और यू कैन से ग्रेट इन्वेंशन ऑफ फिजिक्स। ओके, चौथा आपका सेमीकंडक्टर। ओके, सेमीकंडक्टर क्या है कि जो ना तो कंडक्टर हैं, यानी जो हमारा हीट या इलेक्ट्रिसिटी का जिनमें फ्लो होता है या अच्छा उनमें फ्लो होता है, और ना तो नॉन कंडक्टर हैं। नॉन कंडक्टर मतलब कि जिनमें फ्लो नहीं होता, जैसे आप लकड़ी। ओके, जैसे आप ये समझिए कि लकड़ी, और ये समझिए कि कोई भी मेटल जैसे आयरन। ओके, अब ये होते हैं बीच के चीज़ें। ओके, तो इनकी प्रॉपर्टी आधी प्रॉपर्टी शो करते हैं ये कंडक्टर जैसी, आधी प्रॉपर्टी या सर्टेन टेम्परेचर और प्रेशर पे ये शो करते हैं नॉन कंडक्टर की प्रॉपर्टी। ओके, सो दिस इज ऑल्सो हैज वेरी ग्रेट और वास्ट एप्लीकेशन इन
फिजिक्स एंड आवर डेली लाइफ, जैसे चिप जो हमारी मोबाइल में या जो भी हमारे स्मार्टफोन में मोबाइल्स चिप होती है, और यू कैन से प्रोसेसर, राइट, दैट इज़ अ चिप, दिस इज़, और वो उसको बोलते हैं हम लोग माइक्रो प्रोसेसर. सो दिस दीज आर द इन्वेंशन एज वेल एज एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स. ओके, तो हम लोग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एज पर योर सिलेबस, यानी जो भी हमारी कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के अकॉर्डिंग चैप्टर हैं, हम वो वन बाय वन देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे. और ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आप लोग फिजिक्स को इन्जॉय करेंगे, फिजिक्स को आप फील करेंगे कि हाँ फिजिक्स ये होती है. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन, अब हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स की. तो अभी तक आप सब लोगों ने देखा कि एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स क्या क्या है, कहाँ कहाँ हम एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स देखते हैं. ओके, सो एज ऑफ नाउ आप ये समझिए कि फिजिक्स इज प्रेजेंट एवरीवेयर, फ्रॉम फंक्शनिंग ऑफ योर बॉडी, फंक्शनिंग ऑफ योर बॉडी टू एग्जिस्टेंस ऑफ आर मदर अर्थ एंड होल यूनिवर्स, वट एवर यू आर सीइंग, एनी स्टार, गैलेक्सी, मून, वट एवर, दैट इज एक्सप्लेन्ड बाई लॉज ऑफ फिजिक्स. सो लेट्स प्ले अ गेम, राइट. अब चलो, बहुत देर हमने फिजिक्स पढ़ लिया, अब चलो एक गेम खेलते हैं. ओके बच्चों, तो आप कोई भी कैसा भी हो, आप कोई भी नेचुरल फिनोमिना सोचिए. ओके, एंड कमेंट बिलो, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, एंड विल सी कि इसके पीछे की क्या फिजिक्स है. हम लोग देखेंगे कि ये सच में फिजिक्स एक्सप्लेन इसको कर सकती है या नहीं कर सकती, या जो भी इतने सारे फिनोमिना होते हैं फिजिक्स में लिखा है, हम पढ़ रहे हैं, तो ये सही बात है या नहीं. सो दिस इज़ जस्ट अ गेम, आप लोग कोई भी फिनोमिना देखिए और कमेंट बॉक्स में मेल करिए. सो बच्चों, दिस इज़ एंड ऑफ आवर लेक्चर वन. अब हम अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक चैप्टर, दिस बुक चैप्टर फॉलो करेंगे. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, लॉकडाउन की वजह से जो भी टेक्निकल एरर या कमियां इस वीडियो लेक्चर में हो, सो प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन और जस्ट मेल मी. ओके, सो एज मैंने आपको पहले दिया था अपने कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस, सो दिस इज़ अगेन माय ईमेल एड्रेसेस. ओके, सो आप मुझे प्लीज़ ईमेल कर दीजिएगा. ओके, एंड आई एम लुकिंग फॉर योर ह्यूज सपोर्ट एंड कोऑपरेशन, सो प्लीज़ कोऑपरेट मी. एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लेक्चर टू इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स पढ़ेंगे. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच.